हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? तो गाइज, आज मैं सीधा सैलून से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। काम वगैरह करके जल्दी से फिनिश करके आ गई और आधा मेकअप भी हो चुका है, अब ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये है मेरी फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट शिवानी जी। ये बहुत ही अच्छा मेकअप करती है। कह रही मुझे मत दिखाओ। तो गाइज, आप देख सकते हो नेचुरल भी मेकअप बहुत ही अच्छा कर रखा है इन्होंने, अच्छा लग रहा है और कोई फिल्टर नहीं है, तब भी बहुत अच्छा लग रहा है मेकअप इनका। अभी तो भाई लैसेस वगैरह बाकी है। तो गाइज, आज आपने बोला था कि हेयर स्टाइल दिखाना, तो आज जितने भी हेयर स्टाइल होंगे मैं आपको सारे हेयर स्टाइल दिखाऊंगी। और मेकअप तो हो चुका है, तो अब हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हेयर का। देखो आधा हो चुका, मेरी याद नहीं रहा, चलो दिखाती हूँ। भाई दीना अभी थोड़ा बना के देख रही है, थोड़ा सा बन जाएगा ना फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइस बस थक गई हूँ शूट करा करके सुबह से, और अभी 5 बज गए। देखो गाइस टाइम देखो वहाँ पे, और 5 बज चुके हैं। और सच में भाई मैं थक गई, मेरी लास्ट साड़ी है और उसके बाद मैं जाऊँगी सीधा अपने घर। आज का शूट यहीं पे ख़त्म करेंगे। अभी मेरे बाल वगैरह भी रह रखे हैं, मैंने पीछे कर लिए, तो अभी आपको दिख नहीं रही मेरी पूरी लुक। तो थोड़ी देर में दिखा, वैसे तो 3-4 लुक बदल चुकी है, 3-4 लुक मेरी चेंज हो चुकी है, बट लेट हो रही है, फिर भी ये हमारा काम कर रही है। लगी पड़ी हूँ। लाइनर दिखाओ, लाइनर। वाओ, ये कमाल मेरे मेकअप आर्टिस्ट शिवानी जी का है, जो कि बहुत ही अच्छा मेकअप करती है। थैंक यू सो मच। साड़ी भी दिखाओ। वाओ, किसने भेजी है साड़ी? यही मार खा गए ना, इतने सारे पेजेस होते तो यही मार खा गए आप, यही मार खा गए आप, मार खा गए। कोई बात नहीं, आप आईडी पे जाओ देखो, जब मैं इसकी देखो। इसकी रील डाल दूंगी ना गाइस, तभी आपको आईडी पता लगेगी। अदरवाइज मैं वैसे इसमें नीचे भी डाल दूंगी, टैग कर दूंगी, किसी को आईडी चाहिए होगी तो। टेंशन मत लो, ऐसे टेंशन मत लो कि नहीं बताएगी दीदी, मैं बता दूंगी। चलो अब तैयार होके, पहले मैं रेडी हो जाती हूँ गाइस, फिर दिखाती हूँ। इस वाले की लुक तो दिखाई दूंगी, क्योंकि गाइस बिजी इतनी थी, पर्स लेकर आई थी मैं, हैंड पर्स दो, कि अपनी साड़ी के साथ ना ऐसे ले लेके वीडियो शूट करूंगी, बट मैंने एक भी लिया वो ऐसे रखे हुए हैं, कब से अपने वीडियो शूट करने में लग जाती हूँ। कोई बात नहीं, आप व्लॉग में थक गई हैं, पर्स थक गए वो, पर्स दिखाओ आप अपना। पर्स के लिए डीएम करना गाइस, किसको पसंद आया नहीं आया, मेरा फेवरेट पर्स है। और एक और भी है जो आपको, आप लोगों ने काफी पसंद किया, तो वो वाला भाई मेरी बहन ने दिया था, निशा दीदी ने मुझे रक्षाबंधन पर गिफ्ट, तो उसके लिए भी जिसको भी चाहिए मैं लिंक दे दूंगी उसका। ओके, वो मैंने खुद भी खरीदा था, आपको भी लेना तो आप भी ले सकते हो। ये प्रमोशन है तो? ये वाला इस टाइप की, यदि पर्स किसी को भी लेने हैं तो शिवानिया फैशन हब। तो गाइज वहाँ पे तो थोड़ा बहुत ही व्लॉग दिखा पाई, क्योंकि देखो भाई शूट के लिए गए थे तो आपको पता है बहुत सारा काम हो ही जाता है। पर इधर आ गए गोली और राहुल मुझे लेने के लिए। हेलो गोली, हेलो। तो गाइज मैं अपना मेकअप रिमूव करके आया, क्योंकि अभी 6:30 हो गए, मैंने सोचा था एक ड्रेस में और कर लेती हूँ घर जाके, बट जब तक मैं घर पहुँचती तो रात हो जाती, फिर रात में अच्छी नहीं होती, तो इसीलिए मैंने रिमूव ही कर दिया कि घर जाके थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। और गाइस देखो मैंने आज इतने दिन बाद कल बाल हो रखे थे, उसकी चोटी बना ली, कितने छोटे बाल हो गए देखो राहुल देख। मैंने पता नहीं पहली बार ही चोटी बनाई होगी अपने ससुराल में 6-7 साल में कुछ करके। ये गाना गाता है ये वाला, ये चाको चाको कैसे है गोली? वो एक प्यार करो मम्मी को, एक प्यार करो मम्मा को, मम्मा को पाल कर दो। लव यू गोला, गोला प्यार कर दो। लड़ाई देखो भाई पापा बैठे हैं भाई, इसने वो ही कहने कितने सीखी है। तो गाइस घर जाके मिलते हैं। गाइस घर पे आए तो पार्सल आए मिले, तो देखते हैं क्या पार्सल आए हैं। ओ माय गॉड कितने सुंदर कुंडल आए हैं, याद आ गई कहाँ आए। तो गाइस देखो गोल्ड के हम पहन लेते हैं, हमारी चीजें खो जाती है, पहले भाई हमारी 2 चैन खो दे जिसने पाजे देती हो, हम परेशान हैं, इसलिए हमने अब की बार ये वाले नकली है। वैसे हमारे सारे गोल्ड को सब नकली कह रहे थे, कोई नकली नहीं है, ये नकली है देखो,
नकली नहीं है, 1 ग्राम गोल्ड के हैं, बहुत प्यारे हैं, पहनो मजेदार से है। डिजाइन बेचा ना तो कान में वो ना हुआ है, मतलब वे ना हुआ है, वैसे है बाले वाले। तो गाइस ये कानों में मैं जल्दी पहन के आपको दिखाने वाली हूँ, रील शूट करने वाली हूँ। अच्छे लगे मुझे भी ये डिजाइन। डिजाइन मुझे क्यों अच्छा लगा, जो पीछे डार्ट वाले होते हैं ना गाइस, उनसे ना कानों में दर्द हो जाता है मेरे। देखो ये कान का और भी बड़ा हो गया, इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया। ये सही है ना, ये 1 ग्राम गोल्ड के हैं, बहुत प्यारे से हैं। तो गाइस सेकंड खोलते हैं। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कौन सी चीज कहां से आ रखी है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फैशन शीट, वाओ इसके अंदर आया है बहुत ही सुंदर सा चूड़ा। जब पहनूंगी गाइस जब दिखा दूंगी वैसे चूड़ा, आप देख सकते हो कितना सुंदर है, नाइस ना। अब करवा चौथ पे चूड़े आएंगे भाई। इसमें इसमें नाम देखूंगी। हाँ बेटी, कितने ऊपर पहुंचा दिया आपने, अरे वाह। माजी देख ले ऊपर पहुंचा दी मैंने। तो गाइस खोलने की कोशिश तो पूरी है, खुल जाए तो वाओ भाई। इसके अंदर भी चूड़ा है, सुंदर है इसके अंदर, बिल्कुल शाइन का है और बहुत ही यूनिक है। ये वाले कंगन इसके थोड़े यूनिक है। सब सूटों पे चलेगा। तो गाइस किस किस को पसंद आया करवा चौथ के लिए, जिसको भी ऑर्डर करना है इंस्टाग्राम पर मैं आईडी मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से देखकर अपने लिए भी मंगा सकते हो। तीनों चीज बहुत ही प्यारी लगी मुझे। और गाइस बहुत सारे रील शूट किए जो कि आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेगी आज। एक तो मैंने डाल भी दिया आपको, जब तक ये ब्लॉग आएगा जब तक तो रील भी डल चुकी होंगी। तो जिसको जो जो साड़ी पसंद आई करवा चौथ के लिए वो ले सकते हैं। थैंक यू। आराम जाते तो गाइस मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, इधर आके शिवम ने मुझे डरा दिया। और आज हमने छोटा बना रहा है रोटी, और आज मैंने बनाई है छोटा क्या बोल देगा आप इसको, कढ़ाई पनीर है। कढ़ाई पनीर है, कढ़ाई में तो कढ़ाई पनीर हो गई है ना, बट उसमें वो भी तो है ना साथ में शिमला मिर्च। अरे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन रहा है गाइस, इसको खाना होना आ जाना फटाफट। सच में बहुत टेस्टी है, मैंने चक्के देखा, तू चक्के देखे तेरे को दे बाद में थोड़ी देर यार खा ले, नहीं बस चक्के बता दे कैसे बना सी मेरी शांति से हो जाओगी। तो गाइस छोटा देखो कितनी प्यारी रोटियां बनाता है, एक बार तो पहले इसकी भी बनाती हूं दिखाती हूं। सच में बहुत प्यारी रोटी बनाता है मेरा बच्चा। और गाइस सब्जी मैंने बना दी है, और अभी हमारे घर में बन रहे फुलके। व्हाट इज दिस फुलके, क्योंकि छोटा रोटी नहीं बनाता फुलके ही बनाता है। यस yes. मतलब सुंदर सुंदर फुले फुले गोलगप्पे बोलते हैं। यस गोलगप्पे ठीक है। तो गाइस बहुत सुंदर बनाता है। इसमें मैंने कसूरी मेथी भुनी थी ना वो डाली थी, ये ज्यादा हो जाती फिर मैंने नहीं डाली। दीदी आपकी स्वामी दीदी से लड़ाई हो गई क्या, आप इवेंट में गए वहाँ पे भी उन्होंने आपने उनसे बात नहीं की, मतलब वो नहीं कह रहा मैंने उनसे बात नहीं की, गए और हम मतलब जितनी देर भी हम एक से रहे तो हम एक ही साथ रहे, बस दिक्कत ये हुई कि मैं जब चलने वाली थी घर आने वाली थी तो स्वामी दीदी तब आई थी बेचारी, लेट हो रखी थी बहुत ज़्यादा क्योंकि उस दिन बारिश हो रखी थी, सभी लेट आ रखे थे। तो ये अपने पास से मनगढ़ंत कहानियाँ बनानी छोड़ो। सेकेंड में उसमें लिख रखा कि सेकंड आप ये भी देख सकते हो कि मेरे घर के सब गए हैं वहाँ पे कुआ पूजन में, उन्होंने कोई बड़ा फंक्शन नहीं कर रखा था, बेटी का कुआ पूजन था, बहुत प्यार से सब बुला रखे थे, मेरी मम्मी वगैरह, निक्की तो आपको पता ही है मेरी बहन बेस्ट फ्रेंड है, निशा भी गई थी, सभी गई। तो मैं ससुराल में हूँ भाई, मुझे ससुराल से जाना पड़ता है स्पेशल, तो मैं इसलिए ही नहीं जा पाई, और बहुत ही ज़्यादा मैं भी खुद बिजी चल रही हूँ, तो किसी ना किसी दिन मैं भी जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये मतलब कि अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियाँ मत बनाया करो ठीक है, तो भाई ऐसा हो जाता है कहीं पर ना भी जा पाए। और एक ने लिख रखा ये येलो वाली तो राणा फैमिली की उसमें प्रोग्राम में भी जा रखी थी, तो भाई ये मेरी सिस्टर है छोटी निशा, मेरी रियल सिस्टर ओके।
मेन मुझे यही बताना था वैसे आपको भाई। एक ने भेजा था दीदी आप कौन सा फाउंडेशन यूज कर दो, तो बहन मैं आपको बता दूँ मेरे पास कोई फाउंडेशन, मतलब पहले थे मेरे पास सारी चीज़ें, मैं फाउंडेशन वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती। जब पार्लर जाती हूँ, सैलून वगैरह जाती हूँ, तब मेकअप करवा के आती हूँ, वही मेकअप होता है। अदर मैं जब घर में शूट करती हूँ तो मैं अब कभी भी मेकअप नहीं करती, 8-9 महीने से पहले करती थी, अब नहीं करती कोई भी मेकअप, अब ओनली सिंपल ही रहती हूँ। एक ने पूछा कि दीदी आपकी लोकेशन क्या है, तो भैया देखो वो चीज़ तो मैं बता नहीं सकती, सीक्रेट है। तो एक ने बोल रखा है कि भाई पूरे YouTube पर मुझे सबसे बेस्ट डांस सिर्फ रेणु दीदी का लगता है, लेकिन बस एक ही कमी दीदी कि आप अपने फुल सॉन्ग पर वीडियो डाला करो और सिखाया भी करो, जिससे हम जैसे भी सीख सकें। तो आप लोगों की दया रही तो आगे आगे थोड़ा बहुत करेंगे, सिखाएंगे भी, सीखेंगे भी, सारी चीज़ें करेंगे भाई, ठीक है। तो कुछ ये इस टाइप के कमेंट्स थे, जैसे भी थे, अच्छे बुरे जो भी आपको अच्छे लगे, जो भी बुरे लगे, बुरे तो कुछ नहीं थे, अच्छा ही था सारी चीज़ें। जिनको नहीं पता था स्वामित्व वाली बात तो वो मैंने बता दी, आपको क्लियर कर दिया। तो गाइस कहते हैं ब्लॉग का एंड, प्लीज़ ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो और बेल आइकन जरूर दबाना। और गाइस मेरे को ना आज एक बात पूछनी है सभी से, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है ना, वो ये जरूर बताना मुझे कि यदि आपके पास मेरी नोटिफिकेशन आती है या नहीं ब्लॉग की, ये जरूर बताना। आज वाले ब्लॉग में मैं स्पेशल इस कमेंट को पढ़ूंगी कि किस किस के पास मेरी नोटिफिकेशन आ जाती है कि दीदी का ब्लॉग आ गया है, आती है या नहीं, ये जरूर बताना। मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि नोटिफिकेशन ऑन नहीं आती, पता नहीं क्यों, तो इसलिए ये चीज़ मुझे जरूर बताना, तो इस चीज़ का भी थोड़ा इलाज करेंगे, तो पक्का बताना भाई।